महिला सशक्तिकरण के लिए। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करता रहूंगा। मेरी बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है, लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी। और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इसको 3000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही भाई की इच्छा है। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख से सुन ही चुके होंगे, जिनके द्वारा ऐलान में यह साफ साफ कहा गया है कि इस माह को मिलने जा रही सातवीं किस्त प्रत्येक माताओं व बहनाओं के खातों में सफलतापूर्वक कल यानी कि 10 तारीख को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी कहा गया है कि हम इस राशि को क्रमशः धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, जिसके पश्चात दोस्तों काफ़ी सारी माताओं व बहनाओं के मन में प्रश्न चल रहा है कि इस माह आपके खातों में कितने रुपए की राशि का लाभ ट्रांसफर किया जाएगा, 1250 रुपए, 1500 या फिर 3000 रुपए। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में चल रहे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रही इस ऑफिशियल तस्वीर को देख ही सकते होंगे, जो कि इस तस्वीर को मुख्य रूप से श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ऑफिशियली रूप से ट्वीट कर जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस तस्वीर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा गहना प्यारी लाडली बहना। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक और जानकारी प्रदर्शित की गई है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,31,00,000 से अधिक माताओं व बहनाओं के लिए खुशखबरी, फिर खातों में आने वाले हैं 1,250 यानी कि 1,250 रुपये। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपके मन में चल रहे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि 10 तारीख को आपके खातों में कितने रुपए की राशि का लाभ ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कल यानी कि 10 तारीख को 1,31,00,000 माताओं व बहनाओं के खातों में सातवीं किस्त के अंतर्गत सफलतापूर्वक 1,250 रुपये यानी कि 1,250 रुपये की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं कि यह राशि कौन कौन सी माताओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी और कौन कौन सी माताओं के खातों में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। दोस्तों तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कल 10 तारीख को ट्रांसफर होने जा रही लाडली बहना योजना के अंतर्गत सातवीं किस्त के 1,250 रुपए की राशि आपके खातों में हस्तांतरण की जाएगी कि नहीं, तो उसके लिए सिंपली आपको CM लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रकार से विजिट कर लेना है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप सभी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप सभी के लिए इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर सिंपली आपको बाय कोने में शो हो रहे तीन डंडी वाले विकल्प यानी कि इस मेन्यू बार वाले विकल्प पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सभी मेन्यू बार वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कई विकल्प देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर सिंपली आपको सेकंड नंबर पर शो हो रहे इस आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सभी आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सिंपली आप सभी के लिए यहाँ पर लाडली बहना का आवेदन क्रमांक या फिर समग्र आई डी दर्ज करनी है। दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर समग्र आई डी दर्ज कर लेंगे, उसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर कैप्चा कोड को दर्ज करना है, फिर आप सभी के लिए यहाँ पर OTP को दर्ज करना है, जो कि मोबाइल नंबर आपकी समग्र आई डी से लिंक होगा, उस पर एक OTP भेजा जाएगा। तो आपको इस OTP को यहाँ पर दर्ज करते हुए खोज वाले विकल्प पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप सभी के लिए आवेदन की स्थिति में हाँ, DBT की स्थिति में हाँ और EKYC की स्थिति में हाँ लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपके खातों में हाँ लिख कर आ रहा है तो आपके खातों में सफलतापूर्वक सातवीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों यदि आपका ना लिखा हुआ है तो आप सभी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप आज ही अपने बैंक में जाकर इस चीज़ का सुधार करवा सकते हैं और आप भी सातवीं किस्त के अंतर्गत 1,250 रुपये की राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो कैसी लगी आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको लाडली बहना योजना से संबंधित ऐसी ही जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके।